नन्हे प्यारे दोस्तों, कक्षा दूसरी का पाठ क्रमांक 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पाठ का नाम? अथर्व के पत्र। किसके पत्र? अथर्व। अथर्व कौन है? एक प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा। वैसे गणपति जी का भी नाम है, मगर इसमें हम इसमें देखते हैं एक लड़के का नाम है अथर्व, और वो कौन कौन से पत्र लिखता है, किसे पत्र लिखता है, तो हम देखेंगे। तो नन्हे दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू होते ही ठंड पड़ने लगी, और ठंड के साथ आया बाल दिवस। बाल दिवस कब आता है आप जानते हो ना? आगे हमको देखना ही है, 14 नवंबर को, जिस दिन पंडित नेहरू जी का जन्मदिन होता है। बाल दिवस पर पुट्टी के दोस्त अथर्व ने क्या किया, आइए जाने इसके कुछ पत्र पढ़कर। पाठ से जुड़े कुछ शब्द है, सदन, उपहार, जन्मदिन, सप्ताह और बाल दिवस। हाँ, तो अब हम देखते, अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता था। कहाँ रहता था? दिल्ली में। अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता है। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात पत्र लिखकर नाना जी को बताता है। किसको? नाना जी को। और छोटी बड़ी बात यानी जो भी उसको करना है या कुछ सोचना है या कुछ पूछना है, तो किससे पूछता था? नाना जी से। काय के? पत्र के दौरान, है ना। छोटी बड़ी बात पत्र लिखकर नाना जी को बताता है, जो कानपुर में रहते हैं। नाना जी कहाँ रहते हैं? नाना जी कानपुर में रहते हैं। कानपुर एक बहुत बढ़िया सिटी है, शहर है। दोनों के कुछ पत्र हमारे पास है, आइए एक साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों के पत्र है। अथर्व, ये देखो, ये अथर्व पत्र लिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना आपको हंसते हुए, वो नाना जी से कुछ पूछ रहा है। ये मेज है, मेज के उस पर ये पत्र लिख रहा है। देखो किस टाइप से पत्र होता है, ये है ये पत्र कार्ड। कौन सा है? अंतरदेशी। कौन सा कार्ड है? अंतरदेशी, है ना। यहाँ देखो लिखा वाला अंतरदेशी पत्र कार्ड, और यहाँ पर उसकी टिकट होती है। और ये हम पत्र जिसको देते हैं ना, उनका, अब उनके नाना जी का नाम क्या है? अशोक, अशोक कुमार त्रिपाठी। उनके नाना जी का नाम अशोक कुमार त्रिपाठी, तो उन्होंने एड्रेस लिखा है। क्या लिखा? पता लिखा, अशोक कुमार त्रिपाठी, 1/26 विपुल खंड, किडवी नगर, कानपुर, 208002। ये क्या है? पिन कोड नंबर है। और आगे जिसने भेजा है, अब कौन भेज रहा है यहाँ पर? अथर्व भेज रहे हैं ना, अथर्व वाजपेयी, 61 सेक्टर 27 मयूर विहार, दिल्ली। और इनका पिन कोड नंबर क्या है दिल्ली का? 110091। इस टाइप से भेजने वाले का और जिसको देते हैं उसको भी लिखते हैं। अब अंदर क्या लिखा है इन्होंने, अथर्व ने अंदर क्या लिखा है, तो हम देखते हैं क्या लिखा है। देखो ये लिखा है, कौन से तारीख को लिखा है? 4 नवंबर 2013 को। क्या लिखा है? देखो सुनो, मेरे प्यारे नाना जी। नाना जी कैसे है? प्यारे, लिखना तो है ना, तो इस टाइप से आपको भी पत्र लिखना है। मेरे प्यारे नाना जी, आप कैसे हैं? आपको पता है नाना जी, इस बार हमारे स्कूल में बाल दिवस। कौन सा दिवस? ध्यान रखिए, अच्छे से सुनिए और अध्ययन कीजिए। बाल दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। हर टाइप बोले तो हरदम जैसे मनाते ना, उस टाइप से हमें मनाना नहीं है नाना जी, हमें कैसे थोड़ा सा अलग तरह से मनाना है। तो किस टाइप से मनाना है? मैं और मेरे दोस्त भी कुछ अलग करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए। क्या बताया इन्होंने? सुझाव पूछा। किससे पूछा? अपने नाना जी से। क्या पूछा? कि नाना जी, इस बार हमारे स्कूल में जो बाल दिवस आ रहा है ना, तो मैं और मेरे दोस्त कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या अलग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताइए, आपका सुझाव हमको बताइए, आपका अथर्व, है ना। इस टाइप से उसने पूरा अपना लेटर कंप्लीट किया और डाल दिया।
और बाद में वापस उन्होंने भी जवाब भेजा। किसने भेजा? जो उनके नाना जी थे अशोक, उन्होंने। फिर यहाँ पर देखो, जब इधर से आए तो इधर अथर्व का नाम आ गया, जिसको मिलना है ना। अथर्व 61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली। वापस इनका पिन कोड नंबर क्या है? 110091। ये उनका पूरा एड्रेस है। और किसने भेजा? तो ये अथर्व के नाना जी। कौन है अथर्व के नाना जी? अशोक कुमार। तो उन्होंने उनका भी एड्रेस भेजा है, उनका भी पता भेजा है। अशोक कुमार त्रिपाठी, 1/26 विपुल खंड, किदवई नगर, कानपुर, 208002। अब उन्होंने बीच में क्या लिखा है, तो चलो हम देखते हैं कि अथर्व के नाना जी ने अथर्व के लिए क्या सुझाव दिया है। तो ये पत्र कब लिखा गया है? ये पत्र लिखा गया 9/11/2013 को, है ना। अब देखो नाना जी लिखते, प्यारे अथर्व, आपने मुझे बताया कि आप और आपके दोस्त बाल दिवस पर कुछ अलग करना चाहते। बेटा, आपको याद होगा जब मैं पिछली बार दिल्ली आया था तो हम मुस्कान सदन गए थे, जहाँ छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। हमने वहाँ कितने मजे किए थे। आप और आपके दोस्त वहाँ जाकर बच्चों के साथ बाल दिवस मना सकते हैं। जब नाना जी अथर्व के यहाँ आए थे ना, कब आए थे? पिछली बार जब आए थे, तो वो कहाँ गए थे? मुस्कान सदन। मुस्कान सदन में जो बालक थे वहाँ पर उनकी विजिट की, वहाँ पर देखे उन्होंने। तो जब नाना जी क्या बता रहे कि जब मैं पिछली बार आया था ना बेटा, तब हम कहाँ गए थे? मुस्कान सदन। वहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। हमने वहाँ कितने मजे किए। आप और आपके दोस्त वहाँ जाकर बच्चों के साथ बाल दिवस मना सकते हो। कौन सी राय दी, कौन सा सुझाव दिया कि बाल दिवस कहाँ मना सकते हो? आप दिल्ली में ही रहकर, मगर कहाँ पर जाना है आपको? मुस्कान सदन, है ना। अब देखते हैं अथर्व क्या करता है। फिर वापस से यहाँ पर देखो, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। क्या चिट्ठी भेजी और किसका एड्रेस भेजा, ये आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। अब जब हम किसी को भेजते हैं तो उसका नाम लिखते, ये नाना जी का नाम है उनके, है ना, अशोक कुमार त्रिपाठी, 1/26 विपुल खंड, किदवई नगर, कानपुर, 208002। ये उनका एड्रेस है। और नीचे खुद का नाम है, क्या है? अथर्व। किसने भेजा? अथर्व ने। अथर्व वाजपेयी, 61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली, 110091। ये हो गया उनका। मगर अब क्या लिखा उन्होंने वो हम अब देखेंगे। यहाँ पर देखो, बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे? चाचा नेहरू। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर, कौन से दिन? 14 नवंबर को उनका जन्मदिन। किसका जन्मदिन? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन कब रहता था? 14 नवंबर को। मगर उसको वो क्या मनाते थे? बाल दिवस करके मनाते थे। उन्हें क्यों क्यों बाल दिवस मनाते थे? इसलिए कि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, और चाचा नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे लगने से उन्होंने खुद का जन्मदिन जो है बाल दिवस के नाम से कर दिया है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कौन से दिन लिखा है? 15 नवंबर 2013। क्या लिखा अथर्व ने? अच्छे नाना जी। क्या लिखा? अच्छे नाना जी, आपका दिया सुझाव बहुत अच्छा था। कौन सा सुझाव दिया था उन्होंने? कि आप छोटे छोटे बच्चे मुस्कान सदन में जाके आप वहाँ से मिल सकते हो, है ना। तो क्या कह रहे हो? आपका दिया सुझाव बहुत अच्छा था। हम सभी दोस्त मिलकर मुस्कान सदन गए। कहाँ गए? मुस्कान सदन गए, और वहाँ रहने वाले बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया उन्होंने? बाल दिवस मनाया।
हमने वहाँ तरह तरह के खेल खेले, केक और टॉफियाँ खाई। कुछ बच्चों ने क्या करा, चाचा नेहरू की तरह कपड़े पहने, है ना। कैसे पहनते थे कपड़े चाचा नेहरू कपड़े पहनते थे सफ़ेद कलर में कुर्ता पैजामा और ऊपर गुलाब का फूल लगाते थे। उस तरह से बच्चों ने भी चाचा नेहरू की तरह कुर्ता पैजामा पहने। हम वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार क्या लेकर गए, बहुत सारे उपहार भी लेकर गए। पता है नाना जी, ये सारे उपहार हमने खुद ही बनाए थे अखबार से। उन्होंने कैसे बनाए ये उपहार, अखबार से टॉफियाँ, फूल और नाव बनाई, सूखी पत्तियों से तरह तरह के चित्र बनाए, पेंसिल के छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाए। तो उन्होंने जो पेंसिल अपन छीलते हैं उसका जो कचरा भी होता है उसके क्या बनाए, सुंदर सुंदर फूल बना के कार्ड पर चिपकाए, जिन्हें देखकर वहाँ के बच्चे बहुत खुश हो गए। कहाँ के बच्चे खुश हो गए, ये सब उपहार पाकर मुस्कान सदन के बच्चे जो थे ना वो बहुत खुश हो गए। हम सब ने यहाँ खूब मजे किए, आपका अथर्व। तो इस तरह से नाना जी को अथर्व ने पत्र लिखा, है ना, और उसके बाद एड्रेस डाला, खुद का भी नाम लिखा और उन्होंने वो भेज दिया। अब देखो यहाँ पर अथर्व वाजपेयी, वापस से नाना जी ने पत्र लिखा, किसको लिखा, अथर्व को। अथर्व वाजपेयी इस 61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली 110091। अब ये किसको दिया है, नाना जी को। नाना जी का क्या एड्रेस है, अशोक कुमार त्रिपाठी 1/26 विपुल खंड किदवई नगर कानपुर। अब इन्होंने क्या लिखा अथर्व को, हम वो पढ़ते हैं, है ना। देखो क्या लिखा नाना जी ने और कब लिखा, ये लिखा 21/11/2013 को। उन्होंने जो जवाब भेजा उसका जवाब वापस से इन्होंने भेजा, क्या लिखा है, प्यारे अथर्व, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने बाल दिवस कहाँ मनाया, मुस्कान सदन के बच्चों के साथ। नाना जी कह रहे हैं कि अथर्व, आपने जो बाल दिवस मुस्कान सदन के बच्चों के साथ मनाया, अच्छा अगले सप्ताह आपके नानी का जन्मदिन है, सोच रहा हूँ कि उन्हें अपने हाथों से बनाया उपहार दूँ, पर क्या बनाऊँ, कुछ समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसा क्यों पूछा इन्होंने नाना जी ने, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को उपहार दिए, हाथ से बनाया, और नाना जी भी चाहते कि नानी जी को कुछ मैं दूँ उपहार में, तो मैं भी खुद हाथ से बनाना चाहता हूँ इस टाइप से, इसलिए अथर्व की उन्होंने राय ली। अथर्व ने नाना जी को क्या सुझाव दिया होगा, अब आप बताइए क्या सुझाव दिया होगा, है ना। हाथ की बनी वाली आप गुलदस्ता भी बना सकते हो, ऐसे अलग अलग तरह से नानी जी को कुछ उपहार दे सकते हो। हाँ प्यारे बच्चों, देखो हमने अथर्व ने कैसे पत्र लिखे, कैसा सुझाव मांगा और नाना जी ने क्या सुझाव दिया, और उन्होंने भी कैसे सदन में जाकर बच्चों को खुश किया और नए नए उपहार देकर। अब उसके हम क्या देखते हैं, कलम की सवारी। तो चलो कलम की सवारी में आप सबका स्वागत है। देखो आप बताइए मुझे, अथर्व ने नाना जी को कितने पत्र लिखे और क्यों, बताइए जल्दी जल्दी। तो अथर्व ने नाना जी को 2 पत्र लिखे। पहले पत्र में उसने नाना जी से सुझाव मांगा कि किस प्रकार वो अपने दोस्तों के साथ बाल दिवस अलग ढंग से मनाएं, और दूसरे पत्र में उसने अपने बताए सुझाव के लिए उन्हें क्या दिया, धन्यवाद दिया कि नाना जी आपने जो सुझाव दिया हमें बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत मजे करे, है ना। अब देखो क्वेश्चन 2, अथर्व की ओर से नाना जी को पत्र लिखकर बताए कि उन्हें नानी जी के लिए क्या उपहार लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, और 3 विद्यार्थियों को अपनी
क्या बताया है अथर्व, आप बताओ कि नानी जी के लिए क्या उपहार लेना चाहिए। कौन पूछ रहा है? नाना जी पूछ रहे। तो अथर्वन के हिसाब से आप भी अलग अलग तरह के सुझाव आप दीजिए, है ना। आप बताइए कि क्या उपहार लेने में आएगा, बाल दिवस पर आप क्या अलग करना चाहेंगे, कि आप भी इधर उधर जाकर जो गरीब बच्चे रहते, अनाथालय रहते, उसमें जाके कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, इस टाइप से आप भी कर सकते हो। अब आगे हम देखेंगे बातें भाषा की। दिए गए शब्दों में से वे शब्द छाट कर लिखे जिनसे काम के होने या करने का पता चलता है। अब देखो यहाँ कौन कौन से शब्द है, निकलना, अथर, पत्र, बहना, नानाजी, उठना, रोज, खेलना, हम, तुम, खाना, लिखना, जोया, है ना। अब देखो आगे काम वाले शब्द कौन कौन से है। हाँ, तो हमने कौन सा प्रश्न देखा था, दिए गए शब्दों में से वे शब्द छाट कर लिखे जिनसे काम के होने या करने का पता चलता है। इसमें से देखो हमें किस किस का पता चलता है, वैसे शब्द आपको देखना है कौन कौन से। जैसे निकलना, है ना, और जैसे दूसरा बहना और खेलना, और क्या है बताओ बताओ, उठना और खाना, और उसके बाद में लिखना। इससे हमें जो काम कर रहे उसका पता चलता है। और ये जो शब्द है आपको नीचे काम वाले शब्द लिखना है, निकलना, बहना, उठना, खेलना, खाना, लिखना, है ना। अब देखो दिए गए चित्र में सभी बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं, आप किन्हीं पांच मुख्य कामों पर आधारित वाक्य बनाएं। प्रत्येक काम के नीचे रेखा भी खींचे, आपको क्या क्या वहाँ पर देखना है। अब देखो ये बाल दिवस, बहुत अच्छे से बाल दिवस का इन्होंने ये लगाया है और बहुत अच्छे से मना रहे हैं। देखो ये क्या दे रहे, उपहार दे रहे, किसको दे रहे, एक दूजे को दे रहे, है ना। वहाँ जो सदन में बच्चे थे वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को उपहार दिए, हाथ से बनी वाली चीज़ें दी। अब देखो आगे ये कितना अच्छा, यहाँ पर नाम भी है मुस्कान सदन है, और इस टाइप से उन्होंने बहुत अच्छे से बाल दिवस मनाया। तो ऊपर जो दिख रहा है आपको, तो उसमें आपको लिखना है कि बच्चे केक खा रहे, उस टाइप से उपहार दे रहे, ये गेंद दे रहा है, ये कैसे पानी झारी से पौधे को पानी दे रहे हैं, इस टाइप से आपको पूरे लिखना है ना। और आगे देखो, और बहुत अच्छे से आपने इसको अध्ययन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।